गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? मैं तो मस्त हूँ। आज मैं आप लोगों को एनटीआर गार्डन घुमाने लाई हूँ। तो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एनटीआर गार्डन का एंट्रेंस है। यहाँ पे एंट्री फीस 20 रुपीज़ है, पार्किंग फी 20 रुपीज़ है, और एंट्रेंस के सामने ही क्लोक रूम है जहाँ आपको अपना सारा लगेज है, जो भी हेलमेट हो सब जमा करके अंदर जाना होगा। चलो लेट्स गो। एनटीआर गार्डन्स सिटी के बीचों बीच होने की वजह से काफ़ी वेल कनेक्टेड है टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे काफ़ी बसेस आती जाती रहती है और नियरेस्ट बस स्टॉप इज सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट से 5 मिनट की दूरी पे है अपना एनटीआर गार्डन्स। और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज खैरताबाद मेट्रो स्टेशन, जहाँ से 15 मिनट बाई वॉक लगेगा। या तो आप ऑटो कर सकते हो, 50 रुपीज़ लेगा और आपको 5 मिनट में पहुँचा देगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राइट साइड में मेरे एनटीआर गार्डन से और लेफ्ट में ये खूबसूरत सा टैंक बंड। तो या तो आप अपना टाइम पहले टैंक बंड पे स्पेंड कर सकते हो, फिर उसके बाद एनटीआर गार्डन जा सकते हो, या तो आप एनटीआर गार्डन पूरा दिन स्पेंड करके अपना इवनिंग या नाइट यहाँ पे वॉक करते हुए स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे वॉक करते करते आप लोग आइसक्रीम, भेलपूरी और बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एनटीआर गार्डन्स वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ लेट श्री एनटी रामा राव, ऑल्सो नोन एज एनटीआर, इन द ईयर 2002। एनटीआर वॉज फॉर्मर एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस गार्डन इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 36 acres विद ब्यूटिफुल गार्डन्स प्रोवाइडिंग सूथिंग एंड फ्रेश एटमोसफियर। ये गार्डन सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है और ज़्यादा भीड़ शाम के 6 बजे के बाद बढ़ने लगती है। तो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर ए पीसफुल टाइम इन द गार्डन, तो आप 6 बजे के पहले। इस गार्डन में टॉय ट्रेन भी है जो आपको पूरा गार्डन का टूर कराए बिना ज़्यादा वॉक किए। अभी तो ये बंद है, लेकिन अगर आपको चांस मिले तो बिल्कुल मिस मत करना इस ट्रेन राइड को। चलते चलते मेरी नज़र एक बड़े से बनियन ट्री पे पड़ी, जिसे बरगद का पेड़ भी बुलाया जाता है। बनियन ट्री रिप्रेजेंट्स एटर्नल लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स एवर एक्सपैंडिंग ब्रांचेस। द ट्री इज ऑल्सो नोन एज कल्पवृक्ष, विच मीन्स विश फुलफिलिंग ट्री। Many of us do not know that banyan tree is our national tree, as our country's unity is symbolized by the tree's huge structure and its deep roots. जैसे मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। गार्डन के थोड़ा सा अंदर जाते ही आपको एक बड़ा सा ट्री दिखेगा, जो है मचान ट्री। ये मचान ट्री एक आर्टिफिशियल ट्री है जो फाइबर ग्लास से बनाया गया, और ये एक्चुअली एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। तो आपको नीचे से 50 रुपीज़ का टिकट लेके ऊपर जाके जाना होगा, और ऊपर जाते ही वो आपको एक ट्यूब में बैठाएगा, और वो ट्यूब ये स्पाइरल ट्यूब के घूमते घूमते नीचे लेके आएगा। बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग स्पोर्ट्स है। यू शुड ट्राई दिस व्हेन एवर यू आर हियर। मुझे तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे देख सकते कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, कितना खूबसूरत गार्डन है ये। और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फाउंटेन लगे हुए हैं, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जो आप लोग भी कर सकते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। आई होप आप लोगों को भी देख के मज़ा आ रहा होगा। एंट्रेंस के पास ही ये ट्री है, आर्टिफिशियल ट्री, जिसमें वाटर फाउंटेन जैसा नहीं, एक स्प्रे जैसा है। अगर आप उसके सामने खड़े हो जाओगे ना, तो वो स्प्रे से आप भीग जाओगे, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो लोग यहाँ पे घूम रहे इसके आसपास, और वो स्प्रिंकल्स और वो उसका मज़ा ले रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। लेफ्ट साइड में देख सकते हो 3D सिनेमा लगा हुआ है, और बहुत सारे राइड्स हैं जो अभी बंद है, तो हम अभी दिखा नहीं पाएंगे उसको। और ये रहा, इसके सामने सीधा जाएंगे तो एग्जिट आ जाएगा। इट्स फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक्चुअली कोविड के चलते पीछे काफी सारे राइड्स बंद है, काफी चीजें बंद है, तो पूरा एक्सप्लोर तो अभी नहीं कर पाए हम लोग, बट जितना एक्सप्लोर कर पाए आपसे शेयर किया। आई होप यू लाइक इट।